हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी में। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक की तरह काम करेगा। ठीक है, देखिए, यदि अगर शेष एक आए तो हम लोग क्या करेंगे, आधार का जो इकाई अंक होगा उसकी पावर पर क्या कर देंगे, एक, यानी उसे एक से गुणा कर रहे हैं। मतलब कि जो शेष आएगा उस अगर एक शेष आएगा तो जो आधार अंक का जो इकाई अंक होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि शेष क्या है, दो आता है तो आधार का जो इकाई अंक है उसके पावर पे क्या करेंगे, दो कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या का को किसी भी संख्या से भाग देने पर शेष तीन आता है तो क्या करेंगे, आधार के इकाई अंक का क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर शेष कुछ भी नहीं आता यानी जीरो आता है तो हम लोग क्या करेंगे, आधार के इकाई अंक को के पावर पे चार कर देंगे। ठीक है, तो आधार का इकाई अंक क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई हमारी कोई संख्या है। ठीक है, और इसकी पावर पे क्या है, एन है। तो एक्स वाई को हम जो एक्स वाई है यही हमारा क्या है, आधार है, और ये वाई क्या है, हमारा आधार का इकाई अंक है। ठीक है, तो इसको एक एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि 172 हमारी कोई संख्या है, इसके पावर पे क्या है, 27 है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इसका क्या है, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे पावर पे जो ये 27 है, इस 27 को हम क्या करेंगे, चार से भाग दे देंगे। जब हम इसे चार से भाग देंगे तो हम देखेंगे हमें शेष कितना मिलेगा, तीन शेष मिलेगा। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया वो इस तरीके से देखें, जैसे हम चार से क्या करेंगे, 27 को भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तीन शेष मिल जा रहा है। ठीक है, तो यही शेष हमारा क्या है, ये है तीन शेष। तो जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, अगर शेष तीन हो तो आधार के इकाई अंक का क्यूब कर देते हैं। तो आधार का इकाई अंक क्या है, दो है, तो दो का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, यानी जितना शेष आया है उतना हम क्या करेंगे, पावर पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो गुणे दो, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आठ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा प्रश्न है 1783 के पावर पे 10 है। ठीक है, का इकाई अंक हमें निकालना है। तो अब हम इस संख्या को 10 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर पे जो ये 10 है, इस 10 को क्या करेंगे, चार से भाग दे देंगे तो हमें कितना शेष मिल जाएगा, दो शेष मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब दो शेष मिला है, अगर शेष दो हो तो क्या था, आधार के इकाई अंक का स्क्वायर, यानी जो शेष है उतनी बार गुणा। तो आधार का इकाई अंक क्या है, आधार हमारा क्या है, ये नीचे है, तो तीन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीन गुणे तीन यानी कि नौ, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए 514 के पावर पे क्या है, 400 का इकाई अंक हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो बहुत लंबी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 को चार से भाग दे देंगे। जब हम 400 को चार से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा और हमें शेष क्या मिलेगा, शून्य। ठीक है, जब शेष जीरो होगा तो क्या करेंगे, आधार के इकाई अंक की पावर क्या कर देंगे, चार कर देंगे। तो हमारा आधार का इकाई अंक क्या है, चार है, तो चार की पावर पे चार कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम चार की जगह पर क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब इसका इकाई अंक निकालना है। अगर हम 400 को चार से भाग देंगे तो हमें शेष जीरो मिलेगा। ठीक है, अब इकाई अंक क्या है, जीरो, जीरो की पावर पे हम अगर चार करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग, यदि आधार का इकाई अंक जीरो हो, एक हो, पाँच हो और छः हो, ठीक है,
तो जो हमारा घातांक फिर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा क्या आएगा वही जो आधार का इकाई अंक होगा। ठीक है, अगर आधार का इकाई अंक जीरो है तो आंसर हमारा जीरो ही होगा, आधार का इकाई अंक एक है तो आंसर क्या होगा एक होगा। जैसे एक का अगर हम पावर दो कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा एक ही मिलेगा। ठीक है, एक की पावर पे तीन कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा एक ही मिलेगा, एक की पावर पे अगर चार कर दें तो भी हमें क्या मिलने वाला है एक ही मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से जीरो के साथ भी है, इसी तरीके से एक के साथ भी है, और पाँच और छः के साथ भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम अगर पाँच की पावर पर दो करेंगे तो पाँच पाँच पच्चीस मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से तीन करेंगे तो पाँच पाँच पच्चीस पंच एक सौ पच्चीस मिलेगा। ठीक है, तो पाँच का हम कितना भी गुणा करते चले जाएंगे हमें अंत में क्या मिलने वाला है पाँच ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि यदि आधार का इकाई अंक जीरो हो एक हो या पाँच हो छः हो तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आधार का इकाई अंक ही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 की पावर 42 प्लस 42 की पावर 47 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पावर पे अंक है इसको क्या करेंगे चार से भाग कर देंगे तो हमें शेष कितना मिल जाएगा दो शेष मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस 42 को करेंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है दो ही शेष मिलना है। ठीक है, अब देखिए अगर अगर शेष हमें दो मिलता है तो हम क्या करेंगे इकाई अंक पे पावर दो कर देंगे। तो 47 का इकाई अंक क्या है सात, तो सात की पावर दो, इस वाले 42 को भी हम भाग दिए थे तो हमें दो शेष मिला था तो हम क्या करेंगे दो की पावर दो कर देंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, सात सते 49 हो जाएगा और इधर क्या होगा चार हो जाएगा। देखिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमें 49 मिला है, हमें निकालना है इकाई अंक, तो हम इस चार को क्या करेंगे भूल जाएंगे छोड़ देंगे और उसके बाद ये 9 और ये 4 को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 13। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर इकाई अंक क्या हो जाएगा 3, यही हमारा क्या है आंसर है। ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है और पूछा हमसे गया है इकाई, तो हम सिर्फ क्या इकाई अंक को ले लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 की पावर क्या है 35 प्लस 33 की पावर 35 प्लस 45 की पावर 35 का इकाई अंक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 35 को 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो हमें शेष कितना मिल जाएगा 3 शेष मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका इकाई, देखिए यहाँ भी 35 है यहाँ भी 35 है तो हमको हर कंडीशन में मतलब यहाँ भी शेष 3 ही मिलने वाला है क्योंकि हमारी पावर क्या है हर जगह एक ही जैसी है। ठीक है, तो 3 शेष मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे 34 का इकाई अंक क्या है 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4 की पावर पे 3 कर लेंगे प्लस 3 की पावर पे 3 प्लस 5 की पावर पे 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 4 × 4 × 4 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64 प्लस 3 × 3 × 3 कितना हो जाता है 27 प्लस 5 × 5 × 5 125। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे सब में से इकाई अंक ले लेंगे 4, 7 प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे 7 × 11 = 5 = 16 यही क्या है 16 मिल जाएगा। अब देखिए इकाई अंक क्या होगा 6, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया 47 की पावर 42 माइनस 46 की पावर क्या है 42, तो हम क्या करेंगे 42 को क्या करेंगे पहले 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें शेष कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक, फिर अब क्या करेंगे इकाई अंक क्या है 7, शेष 2 था तो पावर 2 हो जाएगा माइनस इकाई अंक क्या है 6, शेष 2 था तो पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ हमने 6 पे भी पावर 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर भी 42 है और इसे हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेष 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर 43 होता तो शेष हमारा 2 ना होकर क्या हो जाता 3 हो जाता, तब हम यहाँ पर पावर 3 लगाते। ठीक, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे माइनस, अब इनको इनका क्या करना है इकाई अंक हमें निकालना है, ये 9 और ये 6, अब इन्हें हम क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
देखिए, अगर यहीं पर माइनस ना होकर क्या होता, इनटू होता, गुणे का निशान होता, तब हम क्या करते, सेम प्रोसेस था हमारा, शेष क्या है, दो आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या है, दो है, वही है। सात का क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू, छः का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, दो है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। नौ गुणे छः, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या चिन्ह दिया गया, उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस चीज़ का निशान है गुणा, भाग या धन का, ठीक है, या माइनस का, तो हमें उसका क्या करना है, ध्यान देना है, वरना क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 172 की पावर क्या है, 34, 173 की पावर क्या है, 34 गुणे 174 की पावर 34, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 34 को पहले क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2, यानी हमारा शेष वक्त क्या है, 2 होगा। अब देखिए 72 का इकाई क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 3, और यहाँ इकाई था 4, 4 की पावर 2, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले 2 गुणे 2 कर लेंगे, फिर 3 गुणे 3 कर लेंगे, फिर 4 गुणे 4 कर लेंगे। अब देखिए 4 गुणे 9 गुणे, यहाँ 16 का हम इकाई अंक लेंगे, यानी कि 6 को ले लेंगे, ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 36, 36, 216, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 21 की पावर 21 गुणे 22 की पावर 22 गुणे 23 की पावर 23, इसी तरीके से क्रमागत संख्या 29 की पावर 29 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए अब इतना बड़ा सा है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और मतलब एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, 22 की पावर 22, मतलब कि 22 की पावर 22 का मतलब है कि यहाँ का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या होगी, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही समझ लेंगे कि एक सम संख्या होगी। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई एक संख्या होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिलेगा, 25 की पावर 25, ठीक है, 24 के बाद 25 की पावर 25 मिलेगी। 25 की पावर 25 का मतलब है अगर किसी का इकाई अंक 5 है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पावर पे, सॉरी, अगर किसी का इकाई अंक 5 है, तो उसमें जो हमारा इकाई अंक जो आंसर में आएगा वो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। आधार का इकाई अंक अगर 5 है, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, मतलब पावर पे कुछ भी हो, इकाई अंक हमारा क्या आना है, 5 ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे, तो हमें इकाई अंक हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 5 को अगर 2 से करेंगे तो 10, 5 को अगर 4 से करेंगे तो 20, 5 को अगर 6 से करेंगे तो 30, और 5 को 8 से करेंगे तो 40, ठीक है। हमें हमेशा जो भी संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 0 को एक बार, मतलब एक बार हमें 0 अगर मिल गया है, तो फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें इंटू करेंगे, तो हमें इकाई अंक सदैव क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 21 ना होकर क्या हो जाए, 71 का पावर 71, 72 का पावर 72, 73 का पावर 73, इस तरीके से हो गया। तो हम देखेंगे 72 की पावर 72, ठीक है, और यहाँ पे 75 की पावर क्या, 75, बाकी संख्याएं छोड़ देंगे। यहाँ पर एक बार हमें 5 मिल गया है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, आधार का इकाई अंक अगर 5 है, तो पावर पे कुछ भी हो, हमारा इकाई अंक क्या होगा, 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। उसी तरीके से ये अगर सम संख्या है, तो हमारा जो इकाई अंक आएगा, सम ही आएगा, क्या आएगा, सम ही आएगा। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि 5 को किसी सम संख्या से, ठीक है, गुणा किया जाता है, तो हमेशा हमें इकाई में क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, ठीक है। 5 का किसी भी सम संख्या से अगर हम गुणा करेंगे, तो हमें जो संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक सदैव क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा,
132 की पावर क्या है, फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 132 के पावर में हमारा क्या है, फैक्टोरियल 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 × 1 कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस 6 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या है, 2 है, तो 2 की पावर पे 2, यानी क्या होगा, इकाई अंक 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहीं पर क्या होता, 143 का फैक्टोरियल 47 होता, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम 47 × 46 × 45 ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिए, फैक्टोरियल में दी गई संख्या 4 या 4 से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। फैक्टोरियल में दी गई कोई भी प्राकृतिक संख्या 4 हो या फिर 4 से अधिक हो, तो उसमें हम 4 का भाग देंगे तो हमें शेष हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर देखिएगा, यदि फैक्टोरियल में दी गई कोई भी प्राकृतिक संख्या हो वो 4 या 4 से अधिक हो, तो उसमें 4 का भाग देने पर शेष सदैव क्या मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 143 फैक्टोरियल 47, तो देखिए ये क्या है, 47 4 से क्या है, ज़्यादा है, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब 3 क्या है, इकाई अंक है, तो 3 की पावर 4, 4 यहाँ हमने क्यों किया, यदि शेष 0 आए तो आधार का इकाई अंक के पावर 4 करते हैं, ये हमने शुरू में ही रूल पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 की पावर पे 4 कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 81, ये हमारा क्या हो जाएगा, 81, और ये 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसी तरीके से अगर कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, 120, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 120 है, यानी कि ये क्या है, 4 से अधिक है, तो इसका हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0 मिलेगा। इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक 2 है, शेष 0 है, तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 16, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा हमारा, 6 इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 को 4 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ 3 है, तो हमने क्या बताया था, 3 × 2 × 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमें क्या कर रहे हैं, 4 से भाग देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमें मिलेगा 9, 9 को 4 से भाग देंगे, 4 × 8 हमें शेष कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया गया हो, फैक्टोरियल इन ब्रैकेट फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरीके से कर 10 तक की संख्या डिवाइडेड बाई 4 दी गई हो, तो इसका आंसर बिना सॉल्व किए हम क्या कर देंगे, 1, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे अगर 20 होता तो भी आंसर 1 होता, मतलब इसमें कितनी भी संख्या दी हो इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमें हमेशा शेष क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।